Yes. गुड आफ्टरनून सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। अरविंद जी। जी सर। दोसा से हैं आप? सर मास्क हटा लीजिए। कहीं सर्विस कर रहे हैं आप? सर अभी करंटली जूनियर इंजीनियर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में जोधपुर डिवीजन के अंदर बाड़मेर जिले में कार्यरत हूँ। गुड। पंचायत राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? पंचायती राज की स्थापना सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक सुचारू ढांचा मिल सके। ग्राम जो अर्थव्यवस्था है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जो लोग मेनली जो आजीविका गांव से के ऊपर आधारित है उनको बढ़ावा मिल सके उसके उद्देश्य को लेके स्थानीय विकास को स्थानीय व्यक्तियों द्वारा करने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। आप गाने सुनते हो? सॉन्ग जी। ऊर्जा क्या है? सर ऊर्जा एक ऐसी सोर्स है प्रकृति द्वारा प्रदायक जिसके थ्रू हम किसी भी नेचर के एनवायरनमेंट और आर्टिफिशियल चीज़ों को रन कर सकते हैं। गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल। राजस्थानी में गाना है जी, कुर्जाए मारो बलम मिलाई दीजिए। कि कुर्जा एक पक्षी होता है, प्रवासी पक्षी जो यहाँ पर आता है, बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर। कीचड़ गाँव में किचन सर कुर्जा पक्षी होता है सर। यस कुर्जा साइबेरियन। हाँ सर उसके बारे में समय ऊर्जा समझा सर। नहीं कुर्जा ठीक है सुनने में। व्हाट इज साउंडनेस इन टेक्निकल टर्म्स सर? साउंडनेस सर साउंडनेस द कैपेबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल प्रोडक्ट की जो उसकी वेदरिंग रेजिस्टेंस को शो करती है। वाटर लॉगिंग कैसे रोकोगे? फिर वाटर लॉगिंग रोकने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे वाटर लॉगिंग किस प्रकार की सॉइल में हो रहा है, सैंडी सॉइल है या क्ले सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके ट्रीटमेंट लेंगे सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के लिए। जैसे जिप्सम यूज करेंगे और जो वाटर लॉगिंग की जो मेन प्रॉब्लम है रूट कॉज क्या है उसका, जैसे कैनाल से अगर सीपेज हो रहा है तो सीपेज लॉसेज रोकेंगे, और सॉइल जैसे क्ले टाइप के तो उसके सैंडी क्ले और सैंडी टाइप के तो उसके लिए लाइम स्टेबलाइजेशन या जिप्सम यूज करेंगे और जियो सिंथेटिक मटेरियल्स यूज करके और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करके हम वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर करें। आधार कार्ड के जनक कौन है? मुझे आइडिया नहीं सर। एनीकट क्या होता है? सर एनीकट स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं जिससे कि वर्षा का पानी भविष्य में यूज कर सके खेती के लिए। नॉर्मल स्लैब एंड डोम स्लैब में अंतर बताइए। सर नॉर्मल स्लैब हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्टेड होते हैं जो कि जिसमें कि थिकनेस जो होती है वो एज कम्पेयर टू डोम स्लैब हम कम प्रोवाइड करते हैं, और उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंशियल जो टेम्परेचर बनता है स्ट्रेसेज आती हैं वो डोम की कंपेरिजन में कम जनरेट होती हैं। और डोम स्ट्रक्चर सर जो नॉर्मल स्लैब होता है वो स्मॉल एरियाज के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और डोम ओपन एरिया जहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है लार्ज में बल्क में अगर ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करना है तो डोम स्लैब प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज वन वे स्लैब? सर वन वे स्लैब सर इसका क्राइटेरिया होता है जो कि अगर लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन का रेशियो अगर लेस देन ग्रेटर देन टू है तो वन वे स्लैब है ही मेनली क्राइटेरिया। व्हाट इज क्रैंक बार सर? क्रैंक बार सर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है लेकिन क्रैंक बार एक स्लैब और बीम में प्रोवाइड किया जाता है जो कि शीयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है मेंबर की। व्हाट इज एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया फॉर M25 ग्रेड? सर कंक्रीट की स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करने के लिए सर क्राइटेरियाज हैं जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शुड बी विदिन परमिसिबल लिमिट कि 95% से ज़्यादा से बिलो नहीं होनी चाहिए सर, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू 4 तक हम जा सकते हैं सर M25 के लिए।
आप जोधपुर डिवीज़न में काम कर रहे हैं? जोधपुर डिवीज़न के अंदर सर, बाड़मेर ज़िले में। ओके, क्या काम देख रहे हैं आप वहाँ? सर अभी मेनली मुझे वहाँ पे 3 महीने हुए हैं जॉब करते हुए, और मैं वहाँ पे लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड और का जो डेटा है GIS सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का, देन क्वालिटी कंट्रोल का काम देख रहा हूँ। तो डेटा अपलोड करना आपका काम है सिर्फ? डेटा अपलोड करना नहीं सर, उसको असेंबल करके और लैंड एक्विजिशन की जितने भी सबसे पहले रोड्स के, लैंड एक्विजिशन के लिए कौन सा बिल आया है अभी सर? सर लैंड एक्विजिशन का 2013 में लैंड फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 में आया है। उसके काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो कि पुराने 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है। शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया में कंपनसेशन का जी गुना कितना है उसमें सर? ग्रामीण एरिया रूरल एरियाज में जहाँ पे भी जमीन एक्यूपाइड करेगी गवर्नमेंट, वहाँ पे 4 times दिया जाएगा, और अर्बन एरियाज में 2 times दिया जाएगा। किसका? DLC कॉस्ट का? DLC कॉस्ट का सर, मार्केट वैल्यू का। DLC कॉस्ट मार्केट वैल्यू होती है? नहीं सर, मार्केट वैल्यू का दिया जाएगा। अच्छा, DLC कॉस्ट क्या होती है? DLC कॉस्ट सर डिस्ट्रिक्ट लैंड कमेटी जो डिसाइड करती है किसी भी एरिया की, जिले में उनके अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू उनके द्वारा जो निर्धारित राशि होती है किसी भी जिले की। GIS क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस पे GIS से जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे। तो आप इसमें क्या डेटा फीड करते हैं मतलब? सर डेटा उसमें स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा टाइप का फीड करना होता है, जैसे कि रोड्स हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, रोड है, रिवर है, या वेजिटेशन कवर और अनकवर्ड चीज़ों का। क्या होते हैं स्पेशल नॉन स्पेशल डेटा? सर स्पेशल जैसा लाइक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है जिसके कि हम डिफरेंशिएट कर सकें विजुलाइज करके, जैसे कि हम रोड और रिवर को डिफरेंशिएट करना है या रेलवे लाइन को डिफरेंशिएट करना है, तो हम उसको अपलोड करेंगे उसके अकॉर्डिंग लाइन पॉइंट और एरिया के हिसाब से डेटा फीड करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम साइन करके, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं ऑनलाइन किसी कहीं पे भी पर्टिकुलर चीज़। आपने 2017 में बीटेक किया जी सर, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने 3 महीने हुए हैं यहाँ पे, तो बाकी टाइम आप क्या कर रहे थे? सर 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता की, तो SSC में मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग कर लिया हूँ और अभी सर प्रिपरेशन ही कर रहा था। आपका क्या प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर का? सर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मेरा डिजाइन ऑफ 3-story बिल्डिंग बाई यूजिंग एक्सेल। यूजिंग एक्सेल? एक्सेल यस सर। आप कोई 5 formulas के नाम बता दीजिए जो आपने एक्सेल शीट बनाने में यूज किया। सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजस्थान में? मुझे आइडिया नहीं। वर्केबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सर वर्केबिलिटी मेनली मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करती है, और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट, इन सारे फैक्टर्स पे सर। एडमिक्चर्स अगर ऐड कर रहे हैं, कौन से सिर के एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी? सर राउंड 8 की सर ज़्यादा होती है। तो फिर अपन तो एंगुलर यूज लेते हैं, क्योंकि सर स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा नहीं आ पाती राउंड 8 की, इसलिए हम स्ट्रेंथ प्रो क्राइटेरिया को मेनली हमारा जो कंसर्न होता है वो स्ट्रेंथ चाहिए होती है कॉन्क्रीट में, इसलिए सैंड का जब कॉन्क्रीट मिक्स बना रहे हैं उसमें सैंड का क्या पर्पज़ है? सर सैंड एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सैंड की मेनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, और वो कॉन्क्रीट में एक एज ए इंग्रेडिएंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेके उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको तो सीमेंट से आती है सर। सर सैंड भी उसमें मेजर फैक्टर रहता है सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, जिससे कि श्रिंकेज वगैरह जैसे सीमेंट अगर प्योरली सीमेंट अच्छा, करेंगे तो फेल होता है क्यूब टेस्टिंग में जी, तो कौन से फेस पे फेल होता है? इंटरफेस होता है ना, तो सैंड पे थोड़ी फेल होता है? नहीं सर। तो कहाँ फेल होता है? क्या आपके हिसाब से क्या फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए? सपोज करो कि मैंने कंक्रीट का क्यूब टेस्ट किया जी और उसका एग्रीगेट ब्रेक हो रहा है जी, तो ये फेवरेबल कंडीशन है अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। क्यों सर? उसकी इंटरलॉकिंग जो है एग्रीगेट्स की वो नहीं हो पा रही है शियर फेलियर की वजह से, क्रैशिंग। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है किसी भी जॉइंट को डिजाइन करने का? जॉइंट सर इन द सेंस कि किस टाइप में बिल्डिंग्स में क्या चेक करते हैं उसमें, कि अपना मटेरियल फेल हो जाए या जॉइंट फेल हो जाए, क्या प्रेफर करेंगे अपन? सर मटेरियल मुझे मटेरियल फेल हो जाए प्रेफर करेंगे, मटेरियल फेल ही प्रेफर। तो एग्रीगेट ही तो फेल हो रहा है उसमें, फिर तो फेवरेबल हुआ ना। सॉरी सर, जॉइंट फेल नहीं हो रहा, अपन यही तो चाहते हैं मेरा मटेरियल फेल हो जाए बट जॉइंट फेल नहीं होना चाहिए जी। तो कंक्रीट में बेसिकली जॉइंट क्या है? पेस्ट ही तो है, सीमेंट पेस्ट। मैं कह रहा हूँ एग्रीगेट फेल हो रहा है,
डक्टाइल डिटेलिंग के लिए कौन सा कोड यूज लेते हैं? डक्टाइल डिटेलिंग नहीं आइडिया सर। अच्छा, कोई पांच कोड के नाम बता दीजिए जो आपने अपने बीटेक में पढ़ा है। सर IS 456-2000 जो कि प्लेन रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट की डिटेलिंग के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ कोड्स के नाम बता दें। IS 800-2007, IS 2720 जो सॉइल के टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। सर तीन का ही मैं अभी याद करूँ। और सर IRC 37 and 58 जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। वाटर टैंक की डिजाइन के लिए कौन सा यूज लेते हैं? वाटर टैंक के लिए सर IS कोड मुझे याद नहीं है, लेकिन WSM मेथड पे हम वाटर टैंक की डिजाइन करते हैं। WSM जो कि IS 456-1984 सर। नहीं, WSM ही की यूज लेते हैं सर। हम वाटर टैंक में मेनली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम माइनर क्रैक्स को भी कंसिडर करके चलते हैं। हमें वहाँ पे स्ट्रेंथ सर्विसेबिलिटी की बजाय सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस पर स्ट्रेंथ कोलेप्सिंग जो लोड होता है उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि अगर माइनर क्रैक्स भी आएंगे तो जल्दी फेल हो जाएगा। ठीक है। हेलो अरविंद जी सर, एक टर्म होती है स्लेंडरनेस रेशियो जी, क्या होता है वो? सर स्लेंडरनेस रेशियो किसी भी मेंबर या सेक्शन की बकलिंग स्ट्रेंथ को बताने क्या फॉर्मूला रहता है इसके लिए? सर एल इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें जो लेते हैं मैक्सिमम लेते हैं या मिनिमम लेते हैं? सर मिनिमम लेते हैं। क्यों लेते हैं? सर द रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम इसलिए लेते हैं, वो एक ऐसी डिस्टेंस होती है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी और उस द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इट कंसंट्रेटेड इन इट इज रोटेटिंग। तो ये सर जितनी डिस्टेंस मिनिमम रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितना इसका बकलिंग की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है, हमारे जो कि रेशियो होता है सर आई मिनिमम अंडर रूट अपॉन आई मिनिमम अपॉन एरिया ऑफ द सेक्शन का। ओके, सो कोई इसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है इसको डिसाइड कर सकते हैं? जी सर। कैसे? सर अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 12 से ज़्यादा आ रही है तो लॉन्ग कॉलम है, और उसकी वैल्यू अगर लेस देन 12 और 3 के बीच में है तो सर शॉर्ट कॉलम हम डिफाइन करते हैं। 3 से नीचे सर पेडिस्टल। क्या होता है पेडिस्टल? सर पेडिस्टल किस कॉलम में एक कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर स्लोपिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। देखा है आपने इसे कंस्ट्रक्ट होते हुए? सर कंस्ट्रक्ट होते हुए तो मैंने नहीं, मतलब कोई एग्जांपल जहां पर आपने ये विजिबल सर, ब्रिज के केस में हम प्रोवाइड करते हैं। okay. और स्टील स्ट्रक्चर्स अगर बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पे नीचे भी हम पेडिस्टल प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आप यहां टोंगफा तक की तरफ से आए होंगे तो यहां एक ब्रिज है जी सर, तो ये किस टाइप का ब्रिज है? गौर किया आपने? नहीं सर मैं। ओके, सो आपने फर्स्ट यहां पर प्रेफरेंस भरी है PWD जी सर। 85th परसेंटाइल स्पीड क्या होती है? 85th percentile speed डिजाइन स्पीड होती है कि से डिजाइन स्पीड होती है सर जिसपे कि व्हीकल इतनी पॉसिबिलिटी के साथ में ही लोड आ सकता है, ये एज्यूम करके डिजाइन करते हैं। विड्थ ऑफ कैरिज वे क्या रहती है जनरली? सर इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर मुझे। ओके, कौन सा कोड हम फॉलो करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट? फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए सर IRC 37 कोड। कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में? सर बिट्यूमिन, एग्रीगेट, सैंड मेनली और वाटर मेनली यूज करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट। बिट्यूमिन जी सर। तो बिट्यूमिन और एस्फॉल्ट जी दो टर्म्स होती हैं, क्या डिफरेंस होता है? सर बिट्यूमिन डायरेक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त हुआ एक प्रोडक्ट है, और जब उसमें हम एग्रीगेट मिला देते हैं बिटुमिन कंटेंट में तो वो एस्फाल्ट बन जाता है सर। विदाउट एग्रीगेट हम उसको बिटुमिन बोलते हैं। विदाउट एग्रीगेट जो है वो बिटुमिन होता है। एक टर्म होती है मैस्टिक एस्फाल्ट, सुना है आपने? जी सर, नाम सुना है सर, अभी मुझे आइडिया नहीं है सर। अच्छा, आइडिया नहीं है। ओके, सो शेप फैक्टर होता है डिफरेंट शेप्स का जी, ठीक है, तो शेप फैक्टर बेटर होना चाहिए या फिर सेफ फैक्टर? सर उसकी मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी को दिखाता है, तो ये किसी भी सेक्शन का ज़्यादा होना ही बेटर रहता है। मतलब आप कौन सा शेप यूज़ करेंगे जिसका शेप फैक्टर ज़्यादा होगा? सर ये डिफेंड करता है सर्कुलर रेक्टेंगुलर के हिसाब से, तो हम मेनली रेक्टेंगल सेक्शन ही। रेक्टेंगल के लिए कितना? 1.5 सर। और ट्राइंगल के लिए? सर ट्राइंगल के लिए सर 2 एग्जैक्ट आ रही। और बीम सेक्शन के लिए? सर डिपेंड करती है बीम किस शेप की है सर, आई सेक्शन है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर सेक्शन है। आई सेक्शन जनरली आई सेक्शन को सर 1.5 के अप्रोक्सीमेट होता है सर। आई सेक्शन के लिए? नहीं, आई सेक्शन के लिए सर 1.3 से और 1.7 के बीच में वेरी करता है, डिपेंड करता है कि सेक्शन जो है उसका फ्लेंज और वेब का रेशियो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हॉर्टन्स इक्वेशन क्या होती है?
Hortons equation सर infiltration capacity निकालने के लिए hydrology में यूज की जाती है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि rainfall intensity जो है वो infiltrate किस rate से कर रही है, ठीक है, okay, और run off कितना है। थैंक यू। आपको पहली बता रहे थे, जब बता चुके हैं गाइडेंस के हिसाब से तैयारी कीजिए, थोड़ा सा आत्मबल बनाए रखें, okay, और बिल्कुल हंसमुख बेफिक्र हो के दो, बॉडी स्टिफनेस कम करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम तनके भी नॉर्मल सहज अवस्था में, जैसे ऐसा भी नहीं कि एकदम बिल्कुल ढीले ढाले, नॉर्मल चलना है। कोई आंसर नहीं आता तो ना बताएं, आपने गलत बताया था, जो बीम सेक्शन होता है आई सेक्शन उसके लिए वैल्यू 1.12 होती है, 1.3 नहीं होती है सर, वो सर वेरी करती है, नहीं 1.12 से 1.14 होती है, इतनी ही वेरी करती है, है ना, तो जो नहीं आता है तो उसे आप जस्ट सॉरी, ज़रूरी नहीं आप सारे आंसर बताएं वहाँ पे, ठीक है, और अपने जहाँ नौकरी कर रहे हो उसके बारे में जानकारी लेके जाना पूरी, ठीक, कब बना था, क्यों बना था, उद्देश्य क्या है, क्या फंक्शनिंग होती है, इसके पद क्या क्या ऊपर से सीनियरिटी मतलब हायरार्की में पद सोपान में जी क्या क्या होते हैं, ये पूरी जानकारी इसकी, मुख्यालय कहाँ है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर।